बहुत अच्छा है फूफा जी। चंदू ही इज वेरी स्वीट, वो घर के कामों में भी मेरा हाथ बटा देता है। चंदू चलो किचन में आओ, फूफा जी के लिए चाय नाश्ता बनाना है ना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। जिस बदतमीज लौंडे को मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा था, अपने घर में मिल गया। क्या जरूरत थी फूफा जी के साथ ये रायता फैलाने की? हाँ, मैंने क्या रायता फैलाया यार? क्या रायता फैलाया? उनके ऊपर तुमने पानी फेंक दिया, बुरा भला कहा, हाँ, और बदतमीजी की उनके साथ। यार मैंने जानबूझ के पहले थोड़ी फेंका उनके ऊपर, वो टीका मलकान और सक्सेना मेरे सूट के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं मलकान को पानी फेंकने गया, मलकान झुक गया और सामने मोटा, मतलब वो तुम्हारे फूफा जी आ गए। मेरी गलती कहा इसमें यार? इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो कह देते ना सॉरी, बोलते तो रहते हम सॉरी बोल देते एक बार उनके सामने। उन्होंने मुझे सॉरी बोलने का मौका ही नहीं दिया, शुरू हो गए, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। और क्या, वो बुजुर्ग है, कम से कम इस नाते ही बोल देते। यार मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था और गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा बस। तुम्हारे ना आपे की वजह से आज मेरी किरकिरी हो जाती फूफा जी के सामने। वो तो अच्छा हुआ कि सही मौके पे मैंने बात को संभाल लिया। रहने दो, बन लिए तुम विभूषी हो, अब आज से तुम चंदू हो मेरे देवर। और भाभी तो ठीक से बोला करो। यार तुमने ये क्या नाम चुना मेरे लिए यार? चंदू लगता घर का कोई नौकर है यार। तुम्हारी हरकत देख के मुझे यही नाम समझ में आया। एक्सक्यूज मी। हेलो अनीता जी, हेलो प्रभुति जी। हेलो भाभी जी। हेलो अंगूरी जी। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान काहे दिख रहे हैं? जी हमारी तो किस्मत नहीं परेशानी है, हम तो इनके हाथ की कठपुतली बने बैठे हैं, बस ये ठुनकी मारती रहती है और हम हिलते रहते हैं। हो गया, हम कुछ समझना ही। अरे अंगूरी जी, मेरे फूफा जी आए ना घर पर। हाँ फूफा जी आ गए। का क्या करते हो? रायता फैलाते हैं। क्या बोले? बिजनेसमैन है। हाँ हम आएंगे उनसे मिलने। हाँ जरूर आइए, जरूर आइए। अदिया हमारे घर में ना नमक खत्म हो गया है, जरा दीजिए ना। नमक कहाँ है? सामने रखा है। एक काम कीजिए ना, ये पूरी भरनी ले जाइए, हमारे घर में है नमक। पूरा ले जाए? पूरा ले जाइए। थैंक यू, हम आएंगे फूफा जी से मिलने। आराम से आइए, दो तीन दिन है। ठीक बा। नमक उतने था, अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगा? नाउ प्लीज डोंट वेस्ट टाइम और फूफा जी के लिए कुछ स्नैक्स तैयार करो। फूफा जी नमक देते उनको बोल। और सुनाइए फूफा जी, बुआ जी के क्या हाल है? अरे बस बुआ तुम्हारी ठीक है। मैं तो इतनी ऑफर्स देखता हूँ, कभी फ्रिज में एक्सचेंज, कभी टीवी में, बस कहीं बीवी एक्सचेंज की ऑफर मिल जाए तुम्हारी बुआ बदल डालू। चंदू जल्दी लाओ ना चाय नाश्ता। Come in, baby. लड्डू के भैया। अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।